दो चार घूट तो कड़वे लगेंगे ही, फिर तो सब सेट हो जाएगा। वैसे ये प्यार वाली शादी है या शादी वाली प्यार है? दोनों। बढ़िया है जी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बाकी कैंडल नाइट डिनर का आइडिया बुरा नहीं था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए एक साथ अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं। वाजी वाह, नेकी और पूछ पूछ। चीयर्स। चीटिंग नहीं चलेगी। अब आपने कहा था एक गिलास तो मैंने पी लिया, अब बस। ओए कोई बात नहीं बाबी जी, दो पैक के बाद आप पूरी की पूरी बोतल उठा लेंगी मेरी हरप्रीते की तरह। नहीं भाई साहब, पुष्कर जी प्लीज। इट्स ओके, तुम्हें पसंद नहीं है तो मत पियो। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। पुष्कर जी बस दो मिनट। तुम शक्ल से बहुत स्मार्ट लगते हो, कभी ऑरेंज मॉकटेल को कॉकटेल बनाया? हो जाएगा हुकुम। गुड। जो काम कस्तूरी काकी नहीं कर पाई अब वो ये ड्रिंक करेगी। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम पवित्र हो या पवित्र होने का नाटक कर रही हो। लगता ही नहीं आपकी शादी को 3 साल हो गए। आप दोनों की मस्ती देखकर लगता है जैसे आज ही शादी हुई है आपकी। मैम ये आपके लिए। पर मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं। पुष्कर वर्मा ने आपके लिए भिजवाया है। बहुत प्यार करते हैं जी भाई साहब आपसे। ओ बैठी क्या है, अंदर गाने बज रहे हैं, चल जी आप बिना आ जाना जब पुष्कर जी आए तो। कहाँ रह गए थे आप? I'm sorry, वो मॉम का कॉल आ गया था। But I promise, अब हमारा कैंडल नाइट डिनर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बात बोलूं पुष्कर जी? आज ना आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। लगता है तुम्हें नशा चढ़ रहा है। नशा? मेरे प्यार का। पुष्कर जी क्या कहते हैं उसे, आज तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है। तुमने इतना अच्छा सरप्राइज जो दिया है। पुष्कर जी और एक बात बोलूं? आज ना बड़े स्मार्ट लग रहे हो।
ओ जी ऐसे गप्पे मारने थे तो घर पे मार लेते, यहाँ पर तो पैर थिरकाने पड़ेंगे। आप थिरकाइए, हम थोड़ी देर में आते। चलिए ना पुष्कर जी, प्लीज 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 मेरी खातिर, प्लीज 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 प्लीज। ओके आइए आइए आइए, ये लो ये जूस। लेट्स गो। वाह क्या बात है। ओ हरप्रीत, ओ भाभी जी आओ सेल्फी लेते, आ जाओ, आइए ना भाभी जी। पुष्कर जी आप ऐसे नाचते नाचते क्यों रुक गए? तुमने नोटिस किया? मुझे लगा तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है मुझ पर। गलत, बिल्कुल गलत। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ आप पर ध्यान है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि ना आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो पुष्कर जी। कमाल है ना, आज आपके साथ बैठ के वो चूज भी नशा कर रही है। इसीलिए मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। यही ना कि आज मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ? मुझे ना वॉशरूम जाना है। विदिता, भाई साहब, भाभी जी तो एक पैग में ही मूड में आ गई है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ। भाभी जी, पता है भाई साहब, वैसे दो पैग पी के मैं डांस कर लेता हूँ, पर सच बताऊं जी, मुझे ना दो चीजों से बहुत डर लगता है। एक तो ये डांस से और दूसरा ये पानी से। पानी? बचपन में ना स्विमिंग पूल में गिर गया था, तब से ना जी पानी से दहशत सी बैठ गई। ये हो गया बादशाह, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि आज हमारी इतनी यादगार मुलाकात हुई, हमने साथ में शैंपेन पी, लेकिन हमने साथ में एक भी सेल्फी नहीं ली। ओ लो जी, निकी और पूछ अभी ले लेते हैं। आ जाओ जी। लाइए, मुझे दीजिए। हाँ जी, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अब देखिए मैं आपको कैसे कैमरे में उतारता हूँ।
यहाँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, चलिए वहाँ चलते हैं, झरना भी है, बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा। हाँ जी जरूर, और जी पानी में उतरने के लिए मत बोलिएगा, डर तो लगता है ये ना, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ठीक है भाई साहब। ओ पाजी चलिए ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पाजी आइए आइए आइए। अरे अरे पर आइए थोड़ा सा, लाइक थोड़ा, ये बड़ा शौक है ना तुझे सेल्फी लेने का, वो भी मेरी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के। जाडू मत। अरे जसवीर हाथ दो, बचाओ कोई, जसवीर हाथ, कुछ नहीं क्या, आओ प्लीज सर हाथ दीजिए, सर हाथ दीजिए, ये पकड़ो पकड़ो, आ जाओ। जसप्रीत तुम ठीक हो? थैंक गॉड आपने इन्हें डूबने से बचा लिया, लगता है इन्हें तैरना नहीं आता। आपने इनकी जान बचाकर हमारे रेस्टोरेंट की बहुत बड़ी मदद की है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो साथ में एंजॉय कर रहे थे, इन्होंने बताया भी कि इन्हें स्विमिंग नहीं आती, लगता है शराब पी के कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। बस जसप्रीत आइंदा से इतना बड़ा रिस्क मत लेना, कुछ भी हो सकता था। ये की हुआ जी? ये ऐसे कपड़े कैसे भीग गए आपके? कुछ नहीं हुआ भाभी जी, हम पूल साइड सेल्फी ले रहे थे, भाई साहब का पांव फिसल गया। जसप्रीत जी तुसी ठीक हो? और आपको तो पानी से डर लगता है, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? वही तो मैं कह रहा था भाभी जी, जब स्विमिंग नहीं आती तो इतना बड़ा रिस्क ना ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने रहते इन्हें कुछ भी कैसे होने दे सकता था। वो तो बहुत शुक्र है पुष्कर बन्ना का, जिन्होंने इनकी जान बचाई और इन्हें पानी से बाहर निकाला। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरे जसप्रीत को बचा लिया। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी, जाने अनजाने ये तो मेरा फर्ज बनता था, है ना जसप्रीत? हाँ थैंक यू। हरप्रीत मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ चलिए, वैसे भी आप बहुत भीग गए हो। जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ विदिता की वजह से सारा प्लान खराब हो जाता है, पर नहीं इस बार नहीं, आज रात का मौका अच्छा है पता करने के लिए कि विदिता वाकई पवित्र है या नहीं। I think अब हमें चलना चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है पुष्कर जी, और आपको एक बात बताऊं, आप ना आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैनेजर जी रुको, हमारे लिए एक रूम अरेंज कीजिए। श्योर रुको। क्यों? क्योंकि आज रात हम यही रुक रहे हैं। जैसा मजनू की लला वैसे रंगीला की बेला। जी के बकवास लगा रखी है, जबान खींच लूंगा थारी। जब घर की जिम्मेदारियों ने हमारे हाथ ना बांधे होते ना तो अठे कटे सी तंबू में गाड़ देता तन्ने। अरे अश्विन तू के करे है, चुप करा इसे, पूरे गांव को आधी रात को परेशान कर रखा है इसने। जिस आदमी की मारे सामने खड़े होने की औकात को नहीं थी आपने मारे माथे पर लाके बिठा दिया उसे, और अब मारे से कह रहे हो कि इसका मुंह बंद कराऊं। आप झेलो इस बीमारी को।
अरे कहाँ जा रहे हो साढ़े सात रंगीला चुप कर अरे कान थक गए मारे अरे मारे का मार फटे ढोल के तरह मारे को मारी लुगाई दे दो मने नहीं पता बस मारी लुगाई मने वापस दे दो हम चले जाएंगे यहाँ से हाँ अरे थारे से बोल यू सुनाई को नहीं दे रहा था ने मैं चुप नहीं हो रहा गाँव वालों मारी मदद करो मारे को मारी लुगाई चाहिए गाँव वालों रंगीला आप लोग क्या करे हो जाओ अपने घर जाओ अरे मारी आदेश भेज दी तू ऐसे को नहीं मानेगा ठहर मैं बताती हूँ तन्ने बड़ी आई अरे काकी क्या बम के गोले मार रही है मारे ऊपर अरे भगवान करता हमारे हाथ में एक आध बम आ जाता तो तेरे मौत पे फोड़ती सारा किस्सा ही समाप्त हो जाता अरे काकी क्या कर रही है लग दिया चूल्हे में डाल दूंगी तने मीठा टमाटर प्याज है के मारे चखने का बंदोबस्त हो जाए अरे काकी अरे अरे सासू माँ मूंगफली बर्फ बेला पुष्कर जी आपसे बात को आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो मुझे घर कॉल कर लेना चाहिए जहां तक मेरा दिल कहता है फोन मामी उठाएंगी और ऐसे कामों के लिए मामी से बेहतर कौन हो सकता है हेलो राठौर मैनसन हु इज स्पीकिंग मामी जी मैं बोल रहा हूँ पुष्कर बेटा स्पीक स्पीक मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम होटल में ही रुकेंगे आप प्लीज मॉम को बता देना होटल में स्टे कर रहे हो मगर तुम्हारा हाउस तो इसी सिटीज में है तो फिर होटल में स्टे करने का क्या मीनिंग तेरे संग यारा रंग बहारा तो रात दीवानी तेरे संग यारा रंग बहारा तो रात दीवानी पुष्कर ये आवाज तो विदिता की है ना वो क्या सॉन्ग सिंगिंग कर रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नशे में है जी मामी जी ओह माय गॉड विदिता ने ड्रिंकिंग कर रखी है इसीलिए तो इस हालत में से घर नहीं लाना चाहता था आप प्लीज ये बात मॉम को मत बताना हाँ बेटा ठीक है अगर तुम कह रहे हो ना तो किसी को नहीं बताऊंगी ओके थैंक यू मामी जी बाय मामी जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको जो काम करने से मना करा जाए वो आप जरूर करती हैं और यही तो मैं चाहता हूँ पूरा घर विधिता के खिलाफ होगा और ये शर्मिंदगी वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी जी सुन लो आपकी प्यारी सुसंस्कारी बहू आज होटल में स्टे करने वाली है तो कोई बात नहीं चारू दोनों आपस में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो दैट्स ओके जी पहले मेरी पूरी टॉकिंग तो सुन लो आपकी प्यारी बहू रानी सा होटल में इसलिए स्टे करने वाली है क्योंकि उसने ड्रिंकिंग कर रखी है और वो होश में नहीं है चारू कुछ भी मत बोल चुप रहे अरे तुम चुप रहो जी जी मैंने फोन पे ये भी सुना कि वो ना जोर जोर से सॉन्ग सिंगिंग कर रही थी और पता नहीं होटल में उसने सबके सामने क्या क्या हंगामा मचा रखा होगा मुझे तो लगता है शादी से पहले भी ड्रिंकिंग करती होगी जी बैड हैबिट ना चाहे सिटीज हो या विलेज ये सब देख के नहीं आती भगवान झूठ ना बुलवाए आप ना अपनी बहू रानी सा के बारे में अच्छे से नहीं जानती है यहाँ करवा चौथ हेड पर है और आपकी बहुरानी सा पता नहीं कौन कौन से रंग दिखाने वाली है